आते ही नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस इधर देखिए, शाम धीरे धीरे घड़ी में 5 बज गए हैं और शाम के समय दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करो। आज ये ब्लॉग तेरा ही गर्ल, ये तू का डाला थोकी तारे के ब्लॉग आई गर्ल किट्टो को मेरे वीडियो से क्यों हो रही है? नहीं दिक्कत नहीं, मैं कह रही क्या डाली कि भैया तुम्हारे एक ब्लॉग आगे दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दी। अलर बलर कुछ भी डाल देते हैं। और इधर देखिए नाश्ता की तैयारी हो रही है। नाश्ता में आज किट्टो सुबह ही बोली थी कि नाश्ता सूजी का वो भिगो दो, बन जाएगा। क्या बहुत लोग क्या बोलते हैं, उपमा उल्टा बोलते हैं, उपमा बोलते हैं। तो ये बनाने के लिए तो मैं बोली शाम को जाने दो, बन जाएगा। तो सुबह बन जाता है, शाम को ना और ज़्यादा आलसी और गर्मी सी लगती है। तो इधर मैं टमाटर धो के रख दी हूँ, प्याज धो के रख दी हूँ, मिर्चा भी कट कर दी। ये मिर्चा देखो बस कर ये से सूखा ही डाली हूँ। हाँ ये कब तक आएंगे? चार डाल लेती हूँ, थोड़ा तीखा रहेगा तो पानी भी पियेंगे सब लोग। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो कि देखिए फेट के रखी थी, इसमें अभी इनो मिलाई है। क्या मिलाई हो? इनो इनो। अच्छा उस और ये देखिए ये बड़ा चमक रहा है कढ़ाई तवा। अच्छे दर में अच्छे सामान देखने को मिलते हैं ना। हाँ सोचिए कि हाँ किट्टो से सोचते किट्टो कोई तुम्हें गिफ्ट दिया है, खरीदे कहीं खरीदे निताब ले रही थी क्या? नहीं क्यों ले लेते, ऐसा पूछ ही रही हो। नहीं जैसे बहुत सामान गिफ्ट दिए जब वहाँ से आ रहे तभी खरीदे वो सही है, सब अभी खरीदे थे दिवाली के कुछ दिन पहले बाद ऑनलाइन। मैं ही जाकर दुकान से लेती मदन गिफ्ट से। तो आज बन रहा है इधर बन रहा है उल्टा, उल्टा से हो जाएगा उल्टा। खाओगे? हाँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म क्या है ये उल्टा। अरे चार नहीं है उल्टा, उल्टा है उल्टा 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 आज आ रहा दिख रहा। अरे बैठो भी तुम्हारा एक और मिलेगा, टेंशन मत लो। लाइन में ये है माँ बेटे का प्यार। आज किट्टो अपने हाथ से खिला रहे आरो, जब छोटा सा था ना कि अरे आरो जब एकदम पूरा अरे धूप में उसको रखी थी एकदम पूरा फेस उसका एकदम काला हो गया था, किट्टो आरो को छूती नहीं थी। आर्यन को तो सब खिलाए हैं, आरो को आरो को नहीं खिलाया। आरो नहीं अच्छा लगा था मुझे, आर्यन छोटा सा बहुत जैसे कि नॉटी नहीं था, ऐसे पैर ऐसे ऐसे फेंक फेंक के पैरा चल एकदम। ये भी ऐसा था, बहुत सुंदर था, ये भी वो सुंदर था। फोटो मिला लो एक महीने के बाद, खुद सुंदर था तो मैंने देखा ही नहीं तो मैं मुंबई चला गया था। एक महीने के बाद इसका सारा रंग रूप मुंबई ना आ गया, सुंदर था, गोरा सा भी था, गोल मटोल भी था, ये भी गोल मटोल हो गया था, इससे ज्यादा हो गया था। फोटो देख लो, दिखा दो आ रहा था फोटो तो कहा नहीं है फोटो, उस वाले मोबाइल में होगा तुम्हारा, देखे हैं वाला देखी हो ना तब देखिए, कोई जरूरत नहीं है दिखाने का। तुम सोचते हो केवल तुम्हारा ही तारीफ हो ना? नहीं सोचा अभी इतना छोटा है तब इतना करते, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब क्या नहीं करेगा? जब कोई नहीं रहेगा तो एक जगह बैठा रहेगा बेचारा, वही तब किट्टू परेशान होंगी, तब सोसाइटी में नए नए दोस्त बनाएगा लड़की के हाथों से मार डिनर का टाइम और आज तो घड़ी में अभी 9 भी नहीं बजा, घर में खाना बन के रेडी हो गया मेरे को तो अभी पता चल रहा है भाई। और यहाँ पे मम्मी सैलेड काट के पहले फ्री हो जा रही है, फिर इसको रख देंगे फ्रिज में। आई तो चल रहा है गाना, तो ब्लॉग शूट करते वक्त बंद किया गया है क्योंकि कॉपीराइट आने का डर, क्या डर आ ही जाएगा कॉपीराइट। तो यहाँ पे देखिए सब अपने मस्ती वगैरह कर रहे हैं, मम्मी वो खीरा काटे थे सब बच्चों को, दो दो तीन तीन पीस दे दिए लोग खा लिए। तो इसको अब क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बोलो? क्या चाहिए कृति दे दो, खीरा खीरा दो। देखो यार सामने फेंक दिया है, सामने फेंक दिए हैं, महाशय है महाशय। तुम चेंज कर ली थी ना छोटी, जा रहे थे वो दीदी जा रही थी।
हे गाइस, आज इतना जल्दी खाना बन गया। नाश्ता के बाद ना तुरंत खाना बन गया, सब लोग नाश्ता कर लिए और नाश्ता करके काफ़ी सब खुश हो गए थे। तो दाल चावल की एक तरफ दाल, एक तरफ तरफ चावल, दाल चावल बनाने में कोई मेहनत नहीं लगता है। वैसे भी सुबह सब्जी रोटी बना था। तो बच्चे इधर हैं कि तो अभी किसी काम से बाहर गई है ब्लाउज व्लाउज देना सिलने के लिए, तो बच्चे यहाँ हैं। तो गाइस, आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दिल्ली में आके दोनों बच्चे आपके बिगड़ गए हैं और बहुत ही बदतमीज हो गए हैं। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि बिगड़ गए हैं, लेकिन जानते हैं क्या, ये बच्चों का बचपना है। मुझे पता, जब हम लोग भी छोटे छोटे थे ना, कहीं भी जाते थे जैसे नानी के ही घर पे जाते थे, और मेरे नानी का घर थोड़ा सा गांव में था, तो जब आंधी उंधी आती थी और हम लोग दोपहर में इतना कड़क धूप रहता है, इतना कड़क धूप रहता था, नानी नाना दोनों लोग मना करते थे, मौसी भी मना करती थी कि धूप में जाना मत आम तोड़ने, और वहाँ बगीचे में मत जाना। लेकिन हम लोग बगीचे में भी चले जाते थे, चोरी से खाना खा के फटाक से दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। कितना दरवाजा था, ऐसी हरकत हमने बचपन में, लेकिन उस समय का जमाना कुछ और था। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आता कि आरओ को थोड़ा सा कम बोलो कि कम बोले। तुम लोग पहले जैसे मुंबई में रहते थे वैसे बिहेव किया करा करो, यहाँ आके थोड़ा सा ना तुम लोग बहुत ज़्यादा नाटक करने लगे हो। और गाइस, मुंबई में भी ये लोग नाटक करते हैं, लेकिन हम कभी जल्दी वीडियो नहीं शूट करते हैं। हर चीज़ के लिए खाने पीने पहनने ओढ़ने आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसीलिए कभी कभी आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं ना कि मैं कितना परेशान रहती हूँ। क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं से परेशानी होती है, होता है। मुझे ये तकलीफ़ होता है ना कि मैं कितने कठिनाई से बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, कैसे अकेले संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन और बच्चे हर चीज़ के लिए जिद करते हैं। हमारे सिचुएशन और किसी भी चीज़ का इन लोग के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोग को सारी सुख सुविधाएँ हमने दे दी। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं कष्ट में रह लूँ, लेकिन बच्चों को कष्ट में रह, लेकिन इन बच्चों को नहीं समझ में आएगा धीरे धीरे। लेकिन कोई बात नहीं, हम उससे भी एकदम मजबूत हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इनको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम भगवान भोलेनाथ के शरण में चले जाएंगे। अगर से हमारी ज़िंदगी में सुख नहीं रहेगा तो हमने सब कुछ अपना सोच के रखा है। अगर से मैं आगे, मैंने शादी के लिए ना कर दिया। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, आज के भी वीडियो में कमेंट आए हैं कि दीदी, हमें आपके बच्चों ऐसा लगता है कि आपके दोनों बच्चे अपने मर्जी से जीना चाहते हैं, आप शादी कर लो। तो शादी का हर एक उसका सलूशन शादी ही नहीं होता है, बच्चे मर्जी के जिएंगे, ये इनकी मर्जी है या भगवान भोलेनाथ की मर्जी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं, मुझसे जितना बन सकता है उतना बच्चों को रोक लगाती हूँ, टोक लगाती हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं आर्यन को क्यों बार बार डांटती हैं, क्यों बार बार टोकती हैं, तो हमें नहीं अच्छा लगता है। आरो, ये क्या हरकत है, क्या हरकत है, पानी है, क्या ज़रूरत है उसको छूने का, यही सब चीज़ें हम बोलते हैं, टोकते हैं तो तुम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो यही सब बातें हैं गाइस, ब्लॉग को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस सारे ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।